अच्छा हम ये कहेंगे एक वीडियो आपकी आई वायरल हुई थी और अभी एक वीडियो में एक बड़े पत्रकार आए थे जब आपसे पूछा गया था कि आप पार्टी नहीं छोड़ने वाले हैं कभी भी जी जी और उनसे क्या कहना चाहेंगे कमिटमेंट होता है जी उनसे क्या कहना चाहेंगे जो आपका बीजेपी में स्वागत कर रहे हैं तो अच्छे लोग हैं हमारा स्वागत कर रहे हैं हम भी उनको धन्यवाद देते हैं और आप राजपूत समाज से हैं और एक कहावत बहुत कही गई है प्राण जाए पर वचन न जाए इस पे आप क्या कहेंगे जी एक ब्राह्मण विधायक का कहना था कि जिस तरीके से धार्मिक भावनाओं को समाजवादी में आहत किया जा रहा था हम लोग कब तक बर्दाश्त कर सकते थे कि जो यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी की रचित रामायण को फाड़े जलाए हमारे आराध्य भगवान श्री राम पे टिप्पणी करे ये हमारे लिए नहीं किसी के लिए उचित नहीं है। मौजूद है अयोध्या में और अयोध्या गुसाईगंज अभय सिंह के घर पे है तो हम पहला सवाल हम करना चाहेंगे कि बहुत सारी चर्चाएं चल रही है कि बीजेपी में आप आ चुके हैं इस पे क्या कहेंगे आप नहीं आप तो पत्रकार हो अच्छे हो बड़े पत्रकार हो सम्मानित पत्रकार हो आप चर्चा पर हमसे चर्चा करेंगे कि जो सही उस पे चर्चा करेंगे नहीं, बधाई तो आप उन ग्रामीण निवासियों के तरीके से बोल रहे हैं ये सुनाए प्रतिभा सुनाए प्रतिभा आपको तो ऑथेंटिक बातों में बात करनी चाहिए ना जी जैसे कि चर्चा भी चल रही है और लगातार बधाई संदेश भी आ रहे हैं कि बीजेपी में आप आ चुके हैं आपका स्वागत है और लगातार बधाइयां चल रही हैं सोशल मीडिया पे जी देखिए ऐसा है सोशल मीडिया बधाइयां आ रही हैं वो लोग दे रहे हैं और लोग कह भी रहे हैं बहुत से लोग मिल करके भी दे रहे हैं लेकिन उनके सोचने नजरिया अलग है और आप तो पत्रकार हो आपका सोचने नजरिया तो सत्य तक होना चाहिए जो जो आपसे पूछा जा रहा जो कमेंट आ रहे हैं उसी पे हम आपसे सवाल कर रहे हैं जैसे जय जयकार आपकी पूरे गोसाईगंज में नहीं पूरे जिले में हो रही है और एक ऐसे भी पोस्ट देखने को मिले तो है जय सियाराम तो हम लोग हमेशा बोलते रहे हैं अभी उसके पहले हम तो विधानसभा में थे तब भी हम बोल रहे जय जय सियाराम बोले नहीं बोले बिल्कुल समाजवादी पार्टी के साथ बैठ कर तब भी हम बोल रहे थे ये कोई नई चीज हम लोगों के लिए नहीं है भगवान राम तो सबके हैं जी जी और लेकिन इतना हम जरूर बताना चाहेंगे कि भगवान राम पे टिप्पणी किया हिरण्यकश्यप ने तो उनके पुत्र प्रहलाद ने छोड़ दिया रावण को विभीषण ने छोड़ दिया तो भगवान राम तो सबसे ऊपर उठ करके और किसको भगवान और राम सबसे ऊपर और किसको किसने छोड़ दिया हा? भगवान राम तो सबसे ऊपर उठ करके है ना जी जी भगवान राम के लिए कोई कुछ भी कर सकता जी जी तो भगवान राम के लिए कोई कुछ भी कर सकता है। एक और चर्चा चल रही है अयोध्या में बहुत जोरों से है और लोग पसंद भी कर रहे हैं जितने लोग यहाँ मौजूद है वो भी पसंद कर रहे हैं और चाह रहे हैं अयोध्या लोकसभा सीट से आपको ऐसा कुछ नहीं जी सीधा सीधा आप खारिज कर रहे हैं बिल्कुल खारिज कर रहे हैं ये गलत तरीका है दुष्प्रचार है नहीं नहीं दुष्प्रचार नहीं बस आपके जो फैंस हैं वो कह रहे हैं नहीं उनकी सोच और हमारी सोच में अंतर हम तो चाहते हैं यहाँ एक एक घर के लोगों को जानते हैं गांव गांव लोगों को जानते हैं पहचानते हैं इनकी सेवा हम करते रहे जी जी अच्छा हम ये कहेंगे एक वीडियो आपकी आई वायरल हुई थी और अभी एक वीडियो में एक बड़े पत्रकार आए थे जब आपसे पूछा गया था कि आप पार्टी नहीं छोड़ने वाले हैं कभी भी देखिए ऐसा है ये बहुत टेक्निकल क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं जी 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 हम सुनना चाहेंगे इसके लिए आपको पीछे जाना पड़ेगा 1989 में जनता दल बना था वीपी सिंह उसमें प्रधानमंत्री बने थे भारतीय जनता पार्टी ने उस पार्टी को सहयोग दिया था ना वीपी सिंह ने 27% आरक्षण पूरे देश के पिछड़ों को दिया था उसके बाद कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि माननीय मुलायम सिंह जी ने उनको छोड़ा चंद्रशेखर जी सजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए फिर ऐसी परिस्थितियां बनी चंद्रशेखर जी को भी उन्होंने छोड़ दिया बहुत सी घटनाएं घटी जिले में हुई प्रदेश में हुई अयोध्या में भी हुई उसके बाद माननीय कांशीराम साहब ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया फिर से माननीय मुलायम सिंह जी को मुख्यमंत्री बनाया परिस्थितियां घटी कि कांशीराम साहब को भी छोड़ दिया तो ऐसी बहुत सी परिस्थितियां राजनीति में होती रहती हैं तो उन परिस्थितियों में चर्चा कोई नहीं कर सकता है। अखिलेश यादव जी अभी कुछ नहीं बोले हैं हाँ अखिलेश यादव जी अभी तक कुछ नहीं बोले हैं हाँ तब देखिए तो राजनीति में परिस्थितियां बनती रहती हैं बिगड़ती रहती जी जी और उनसे क्या कहना चाहेंगे कमिटमेंट होता है जी उनसे क्या कहना चाहेंगे जो आपका बीजेपी में स्वागत कर रहे हैं तो अच्छे लोग हैं हमारा स्वागत कर रहे हैं हम भी उनको धन्यवाद देते हैं और क्षेत्र की जनता से क्या कहना चाहेंगे क्षेत्र की जनता कहते हैं कि अपने धर्म को अपनी संस्कृति को जिंदा रखें बचाए रखें उसी से हमारी पहचान है। एक और सवाल है जो आपसे पूछना चाहते हैं जय श्री राम कि आप राजपूत समाज से हैं और
एक कहावत बहुत कही गई है, प्राण जाए पर वचन न जाए, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, छत्री माने छत्रप, छाया देने वाला, छाया देने वाले छत्री कहते थे, वो तो बाद में लोगों ने मना लिया, कर्म के हिसाब से लोग जात में होते थे, तो अगर हम छाया ही ना दे पाए तो कहां छत्री? छत्री तो छाया देगा, वही तो होगा ना, सबको छाया देना चाहते हैं, सबकी मदद करना चाहते हैं, और परिस्थितियां बहुत सी चीजें बदलवाती हैं। आपको अयोध्या जिले में सबसे बड़े नेता के तौर पे देखा जा रहा है, और जब लगातार कमेंट आ रहे थे, एक बार हम फिर से पूछना चाहेंगे आपसे, क्या कुछ? देखिए, हम नेता नहीं, हम सेवक हैं जी। हम और हमारा पूरा परिवार, हमारे सारे लोग, हमारे सारे समर्थक गांव गांव पहुंच करके उनका दुख अपना दुख मानते हैं, उनके सुख अपना सुख मानते हैं, उनके दुख और सुख में लगातार भागीदार करते रहे हैं, भागीदार भी करते रहेंगे। क्या बीजेपी में शामिल हो रहे हैं आप? बीजेपी में शामिल होने का भी कोई बात ही नहीं है, ये तो हमारे दल का पहले क्या निर्णय होता है उसको देखा जाए। अभी आप लोगों की अफवाहों के आधार पर, नहीं नहीं नहीं, आप फैलाई गई अफवाहों के आधार पर कौन क्या निर्णय लेता है? मीडिया तो लोगों की बातों को आपसे बाकी प्रयास कर रहा है। ये जो वोट होता है, ये वोट दिखा करके दिया जाता है जी, और इस वोट में ये भी होता है कि आप किसी को भी दीजिए, लेकिन जो आपके पार्टी का अधिकृत एजेंट है उसको आप दिखाइए। अच्छा, एक देखने वाला आदमी हर कोई जानता है कौन किसको वोट दिया है जी। एक ब्राह्मण विधायक का कहना था कि जिस तरीके से धार्मिक भावनाओं को समाजवादी में आहत किया जा रहा था, हम लोग कब तक बर्दाश्त कर सकते थे? हाँ हाँ, वो हमारे मित्र हैं और वो हमसे कह भी रहे थे, हम लोग जब आए थे डॉक्टर लोहिया ऐसे लोगों प्रभावित होकर के नहीं आए थे कि जो यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी की रचित रामायण को फाड़े, जलाए, हमारे आराध्य भगवान श्री राम पे टिप्पणी करे, ये हमारे लिए नहीं, किसी के लिए उचित नहीं है। हम यहाँ से निकले और हम चार बार सोचना पड़े, हम दर्शन कैसे करेंगे, हम फोटो कैसे लगाएंगे, हम दर्शन करने क्यों जाएंगे, और दल के लोग दर्शन करने जा रहे हैं और हमें दर्शन करने का अवसर नहीं मिल रहा। आप जो भी फैसला ले रहे हैं, गोसाईगंज की जनता आपके साथ दिखाई दे रही है, गोसाईगंज की जनता को आप क्या कहेंगे? गोसाईगंज की जनता को, हमारे लिए भगवान तुल्य है, हमारे लिए हमेशा उन्होंने मदद किया। पार्टियां राजनीतिक समीकरणों की होती है, लेकिन गोसाईगंज की जनता ने हमेशा समीकरण तोड़ करके, कभी भी आप काउंटिंग कर लीजिए, गिन लीजिएगा, हर जात वर्ग धर्म के लोगों ने हमारी मदद की, हमारे साथ खड़े रहे हैं, हमारे साथ मजबूती से रहे वो लोग। ठीक है, आज की ये वीडियो यहीं तक है, और आप देख रहे थे आपकी अयोध्या का चैनल अयोध्या न्यूज स्टोरी। मैं हूँ आपका दोस्त दिग्विजय सिंह शिवराज, फिर मुलाकात होगी जल्दी।